अंतरराज्यीय बिलासपुर बस स्टैंड यात्रियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर चालक के साथ कहासुनी हुई और बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई और ड्राइवर की सरेआम पिटाई कर डाली। हिमाचल प्रदेश में अति महत्वपूर्ण बस अड्डा होने के बावजूद दिन भर रात के समय में कोई पुलिस सहायता सेवा उपलब्ध नहीं है। कई बार आम जनता मांग कर चुकी है कि मगर प्रशासन के कान पर आज तक जूं ही नहीं रेंगी है। अंतर्राज्य बिलासपुर बस स्टैंड यात्रियों के लिए बिल्कुल अब सुरक्षित नहीं है। सरेआम दबंगियों ने बस चालक को पीटकर अपनी दबंगई दिखाई है, जिसका वीडियो आजकल वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक अक्सर कुछ दबंग बस अड्डे पर अपनी दबंगई करते नजर आते हैं। किस बात को लेकर इनकी चालक से कहासुनी होगी कि इन्होंने चालक को सरेआम ही पीट डाला। हिमाचल प्रदेश में अति महत्वपूर्ण बस अड्डे होने के बावजूद दिन व रात के समय कोई भी पुलिस सहायता सेवा यहां उपलब्ध नहीं है। कई बार आम जनता इसकी मांग कर चुकी है, मगर शासन व प्रशासन के कान में आज तक जूं नहीं रेंगी है। ऐसे वाक्य पहले भी होते आए हैं और पेश हुए हैं, जैसा वाक्य आज थोड़े समय पहले बिलासपुर में बस अड्डे में देखने को मिला।